अगर आपने गुल्ली बुली एंड मम्मी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देख लें, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा कि ग्रैंडपा सॉन को पकड़ लेते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा कहते हैं, ग्रैंडपा अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो सॉन को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने ग्रैनी का किया था। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सॉन को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ग्रैंडपा कहता है, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ग्रैनी का बदला लेने आया हूँ, और वो तुझे मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा बुढ़े। तभी गुल्ली कहता है, ये क्या बाबा, एक बुढ़ा दूसरे बुढ़े को बुढ़ा बोल रहा है। गुल्ली कहता है, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो गुल्ली, तुम थोड़ी देर चुप करो। अरे ये क्या, लगता है ग्रैंडपा ने सॉन को मारकर बेहोश कर दिया, और ग्रैंडपा बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक किक में ही ग्रैंडपा को धूल चटा दिया। ग्रैंडपा स्टंट मारकर खड़ा हो जाता है। लगता है ग्रैंडपा काफी गुस्से में है और अब ये बाबा को नहीं छोड़ने वाला। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो दुम दबाकर भाग गया, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तभी सॉन को होश आ जाता है और वो उठ खड़ा होता है। सॉन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, मैं यहाँ नीचे क्यों सोया हुआ था, क्या हुआ था मुझे। बुल्ली कहता है, कुछ नहीं सॉन, तुम्हें एक ऊंट ने लात मार दिया था और तुम बेहोश हो गए थे। तुमको होश में लाने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, बदबूदार मोजे सुंघाए, सड़े हुए अंडे सुंघाए, पानी के छींटे मारे, तब जाकर तुम होश में आए हो। सॉन कहता है, अरे बाप रे, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ याद भी नहीं। तभी रॉड कहता है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो सॉन, बुल्ली तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली सॉन और रॉड, बस में बैठ जाओ, अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर पिरामिड है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन और रॉड बस में बैठ जाते हैं और बस इजिप्ट जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इजिप्ट जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पिरामिड दिखाई देती है। तभी रॉड बस को रोक देता है और सारे लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं, हम लोग इजिप्ट पहुंच गए गुल्ली बुल्ली, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जगह देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है, तो तुम सब सावधान रहना, अब चलो मेरे साथ। अरे मेरे लिए तो रुको। ये सारे लोग पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, आज की रात हम लोग यहीं आराम करेंगे और कल सुबह होते ही पिरामिड घूमने चलेंगे। तभी बुल्ली कहता है, हाँ हाँ बाबा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, चलिए ना चलकर सो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड चुन्नी और सॉन ये सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन सारे क्रिमिनल्स कहाँ हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे ये क्या, आलोक और सारे क्रिमिनल्स तो यहाँ इतनी रात को डांस करने में लगे हुए हैं। लगता है सॉन और चुन्नी को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो लोग अभी तक जाग रहे हैं। चुन्नी सॉन से कहता है, सॉन अंकल, मुझे जोरों की सुसू आई है और इतनी रात को मुझे बाहर जाने में डर लगता है, आप चलो ना मेरे साथ। सॉन कहता है, इसमें डरने जैसी क्या बात है चुन्नी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ साथ हल्का हो लूंगा, शायद उसके बाद नींद आ जाए। अरे ये क्या, सॉन और चुन्नी तो पिरामिड के पीछे ही शुरू हो गए। सॉन और चुन्नी सुसु कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने से कुछ मम्मी आती हुई दिखाई देती है, जो काफी खतरनाक लग रही थी। मम्मी इसको अपनी तरफ आता हुआ देख चुन्नी और सॉन काफी डर जाते हैं। अब क्या होगा सॉन और चुन्नी का, क्या ये मम्मी सॉन और चुन्नी को मार देगी, ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुली एंड मम्मी पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।